to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार ने आरजेडी से छिटकने के बाद एनडीए का दामन थामा और नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। सूबे में नई सरकार बनने के घटनाक्रम के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा है कि कचरा अब वापस कूड़ेदान में है। सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर लिखा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदान में, कुंडा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक हो। इतना ही नहीं, इस ट्विटर में पहले रोहिणी ने ट्विटर पर लिखा कि जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। बता दें कि कल शाम को नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। उनके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री सीएम पद डिप्टी सीएम का शपथ लिया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार सीट बंटवारे की बातचीत विफल होने के कारण इंडिया ब्लॉक से नाराज चल रहे थे। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वाला गठबंधन छोड़ देंगे और नया गठबंधन बनाएंगे, जबकि सीएम पद की शपथ लेने के बाद कहा कि मैं पहले भी एनडीए के साथ था, हम अलग राहों पर चले, लेकिन अब हम साथ हैं और रहेंगे। आज 8 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, बाकी भी जल्द शपथ ले लेंगे। जहां एनडीए था वहां वापस आ गया हूं और अब कहीं और जाने का सवाल नहीं उठता है। नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का प्रमुख भी नियुक्त किया गया है। अपना इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि महागठबंधन में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। बता दें कि बिहार के महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ तीन वाम दल यानी कि सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएल माले शामिल है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं लंबे समय से किसी भी बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि महागठबंधन में चीजें सही नहीं थी। मुझे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित सभी से राय और सुझाव मिल रहे थे, मैंने सभी की बात सुनी और आज इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार अब फिर से सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। बाकी जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी है उन्होंने नीतीश कुमार को कूड़ा बता दिया है, उसको लेकर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।